सो हे गाइज दिस इज़ कुलदीप एंड यू वॉचिंग यू पी एस सी लाइब्रेरी सो आज के इस लक्ष्य में हम बात करेंगे इंडियन जोग्राफी के चैप्टर नंबर फोर के बारे में इससे पहले चैप्टर नंबर वन टू और थ्री ऑलरेडी आ चुके हैं आप हमारी यू पी एस सी लाइब्रेरी चैनल पर इनको सबको देख सकते हैं सो so, आज के चैप्टर के बारे में बात करेंगे चैप्टर नंबर फोर जो कि इंडियन जोग्राफी का है जिसका नाम है क्लाइमेट सो so, क्लाइमेट के बारे में नहीं है देन इसके बारे में क्लाइमेट की जो कंट्रोल मतलब क्लाइमेट को जो कंट्रोल करते हैं जो फैक्टर जो वर्क करते हैं क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले उसके बारे में जानेंगे फिर इसमें देखेंगे फैक्टर जो अफेक्टिंग द इंडियाज़ क्लाइमेट सो पर्टिकुलर इंडियाज़ की क्लाइमेट के बारे में हम इसमें रीड करेंगे जानेंगे जो इंडिया के जो क्लाइमेट को फैक्ट जो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं उसके बारे में देखेंगे सो so, आज का चैप्टर चैप्टर नंबर फोर क्लाइमेट एंड देन इसके बाद आप हमारे यू लाइब्रेरी को टेलीग्राम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दी हुई हैं और आप यू लाइब्रेरी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं सो so, चैप्टर करते हैं अब स्टार्ट क्लाइमेट सो so, क्लाइमेट का मतलब क्या है सो so, इसमें लिखा हुआ है ये एन में क्लाइमेट रेफर्स टू द सम ऑफ सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन वेरिएशन ओवर द लार्ज एरिया मतलब किसी एक पर्टिकुलर लार्ज एरिया लाइक किसी स्टेट का हो गया या जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया के जो नॉर्थ इंडिया का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है साउथ इंडिया सो so, एक पर्टिकुलर एक लार्ज एरिया का जो क्लाइमेट हो गया उसको बोला जाता है पर्टिकुलर एक लार्ज एरिया का और वेदर उसका एक छोटा टर्म है लाइक किसी एक पर्टिकुलर सिटीज़ का हो गया सो so, इस पर्टिकुलर सिटीज़ का वो भी किसी इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए सो so, वेदर की जो कंडीशन है वो एक छोटी टर्म है इन कंपेयर क्लाइमेट सो क्लाइमेट के अंदर ही वेदर आ गया सो so, इस चीज़ को आप याद रखना सो so, एक तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसमें बोला है मोर देन द थर्टी ईयर्स सो ये थर्टी ईयर्स का इसमें लेके चलते हैं क्लाइमेट को अगर डिफाइन करना से सो so, एग्जांपल दे सके सो so, so, इसमें एग्जांपल ले लिए कि जो जे का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी वहाँ पर काफ़ी बर्फबारी होती है वहाँ काफ़ी ठंडा क्लाइमेट है और ऐसे ही राजस्थान का जो क्लाइमेट है वहाँ पर एकदम डेजर्ट है गर्मी ज़्यादा होती है तो वो एक तरह का क्लाइमेट होगा बिकॉज वहाँ पर हमेशा ही गर्मी रहती है और जे में बर्फ़ पड़ती है और बट वेदर कंडीशन वेदर मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में किस पर्टिकुलर एरिया में लाइक आज का वेदर ठीक है लेकिन आज का वेदर रेनी है प्लस या आज गर्मी ज़्यादा पड़ेगी या आज ठंडी ज़्यादा पड़ेगी तो उसको वेदर बोलते हैं सो ये सिंपल लैंग्वेज में ये हो गया दैन इसके अलावा द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आज द सेम जो भी इनके जो एलिमेंट्स है वेदर या क्लाइमेट के वो सब सेम होते हैं लाइक टेम्परेचर एटमोस्फिक प्रेशर पर विंड ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन सो ये जो एलिमेंट्स होते हैं दोनों के ही सेम होते हैं देन इसके बाद जो वेदर कंडीशन जो होती हैं जो वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट एवरी ऑफ एन एव ऑफ एन एवन विदिन ए डे सो ये सब जो फ्लक्चुएसन होती रहती है वेदर की कंडी बिकॉज एक काफ़ी टेम्प्रेरी बेसिस का तो इसी इसकी वजह से, से, से जो इसकी जो कंडीशन है वो फ्लक्चुएट होती रहती है बट देर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ तो इस चीज़ को आगे देखते हैं कि उसमें जो एक पैटर्न क्रिएट होने लगता है लाइक like कि इस महीने ये इस महीने ये रहेगा इस दूसरे महीने ये रहेगा लाइक like इस महीने तीन महीने तो सर्दी पड़ेंगी तीन महीने गर्मी पड़ेंगी फिर रेनी सीज़न आ जाएगा वन पड़ता है तो एक तरह का ये पैटर्न क्रिएट होने लगता है सो तो उसी को ये इसके बारे में ये बोला लाइक like इसमें दैट इज़ डे आर कूल और हॉट विंडी काम क्लाउडी ब्राइट एंड वेट सो इसमें यही बोला गया दें इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज मंथली एटमोस्फेरिक कंडीशन द ईयर इज़ डिवाइडेड इंटू सीजन सच एज विंटर समरी एंड रेनी सीजन सो इसी के बेसिस को इसी के बेसिस पर ही ईयर को हम डिवाइड करते हैं लाइक विंटर सीजन विंटर हो गया समर रेनी सीजन ऐसे ही डिवाइड किया जाता है देन इसके बाद क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डेस्क्राइब और जो इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको किस टाइप से डिस्क्राइब गया है मानसून टाइप से डिस्क्राइब गया सो so, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो किस तरह का है मानसून सो so, इस चीज़ को अब याद रखना इंडिया का क्लाइमेट मानसून है एज इन द एशिया ऑन दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एटिया एशिया इस टाइप का जो क्लाइमेट है कहाँ कहाँ मिलता पाया जाता है साउथ एशिया में या साउथ ईस्ट एशिया में सो साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया इस चीज़ को आप याद रखना देन इसके बाद और माउंसून के बारे में दे रखा द वर्ड माउंसून ड्राइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड एक अरेबिक वर्ड से ड्राइव किया जिसको मौसम बोला गया है विच लिटरली इसका जो मीन है उसको इसका मीन रहता है मोहसिन सो मानसून रेफर टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर सो ये इसके बारे में बताया गया है सो so, इस चीज़ को आप याद रखना देन डेस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन जनरल पैटर्न दे आर परसैप्चुअल रीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेट इसमें बोला है कि रीजनल वेरिएशन इसमें हो सकते हैं क्लाइमेट के इन क्लाइमेटिक कंडीशन विद इन द कंट्री द कंट्री में रीजनल वेरिएशन भी हो सकते हैं सो इन समर द मरकरी ओकेजनली टच फिफ्टी डिग्री से इसमें बोला है कि गर्मियों में या समर के टाइम में जो मरकरी है जो टेम्परेचर है वो फिफ्टी डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान डिजर्ट ये रीजनल वेरिएशन के बारे में बताया कि ऐसे रीजनल वेरिएशन हो सकते हैं जैसे कि राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर से, वहाँ हो सकता है वेयर इज इट मे बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाँव जम्मू और कश्मीर और सेम ऐसे ही वहाँ अगर दूसरी जगह देखा जाए वहाँ 20 डिग्री तक टेम्परेचर हो सकता है ये इसमें बताया गया रीजनल वेरिएशन हो सकता है देन इसके बाद ऑन ए विंटर नाइट जब विंटर नाइट में देखा जाए टेम्परेचर एट द्रास जो कि जम्मू कश्मीर में वहाँ का एकदम माइनस फोर्टी फाइव डिग्री टेम्परेचर हो जाता है दैन जो तिरुवंतपुरम है ऑन द अदर एंडस में देखा जाए वहाँ टेम्परेचर बाईस डिग्री टेम्परेचर रहता है so, सो ये सही है इसके रीजनल वेरिएशन हो गए सो so, जगह जगह पर ही वहाँ पर वेदर कंडीशन चेंज होती रहती हैं सो so, नॉर्थ में कुछ है तो साउथ में कुछ है तो ईस्ट में कुछ टेम्परेचर था तो वेस्ट में कुछ ऐसा सो so, ये हो गई रीजनल वेरिएशन एग्जाम्पल देन इसके अलावा

इट रेंस ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री और बाकी जो इट पूरी और कंट्री में होती है बाकी जगह रेन की तरह सो इन द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम द फोर हंड्रेड सेंटीमीटर मतलब फोर हंड्रेड सेंटीमीटर के इस बीच में ही ये वेरीज करती है जो प्रेसिपिटेशन जो रेंस है लाइक मेघालय में एकदम लेस दैन टेन सेंटीमीटर मतलब ये उसमें बोल जाएगी फोर सेंटीमीटर मेघालय में होती है और दस सेंटीमीटर लद्दाख में या उससे कमी हो सकती है एंड वेस्टर्न राजस्थान में सो so, ये बताया गया कि मेघालय में फोर हंड्रेड एंड जो लद्दाख और जो राजस्थान वाला एरिया है वहाँ पर लेस देन टेन सेंटीमीटर तक सो so, ये बारे में बताया गया है कि जो एनो पेसिफिट वेरीज कैसा करता है देन इसके बाद मोस्ट ऑफ़ द पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द जून टू सेप्टेम्बर सो कंट्री के जो काफ़ी सारे पार्ट्स में देखा जाए तो रेनफॉल कब से स्टार्ट होती है जून से लेके सितंबर के बीच तक ये रेनफॉल होती है बट सम पार्ट बट और किस पार्ट में देखा जाए बट जो इसके अलावा जो कंट्रीज़ के जो पार्ट लाए साउथ इंडिया में देखा जाए तमिलनाडु के जो कोस्ट में तो जब रेनिंग स्टार्ट हुई वो अक्टूबर और नवंबर में स्टार्ट हुए बिकॉज ये जब साउथ ईस्ट का जो साउथ ईस्ट मानसून जब रिट्रीट होने लगता है तब होते हैं ये आगे इस चैप्टर में हम बाद में देखेंगे इस पॉइंट को एंड इन द जर्नम इन जनरल कोस्टल एरिया एक्सप्रिय लेस कॉन्ट्रेस्ट इन टेम्परेचर कंडीशन ये कोस्टल एरियाज के बारे में बताया मतलब जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है उनमें जो डेली का जो टेम्परेचर वो वेरिएशन होता है वो काफ़ी कम होता है बिकॉज ऑफ द जो कोस्टल एरिया है तो वहाँ पर जो विंडी ओशन की वजह से जो विंड चलते हैं उनकी वजह से जो टेम्परेचर में जो वेरिएशन आता है वो काफ़ी कम होता है सो सीजनल कॉन्टेक्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री सो ये बताया गया देन इसके बाद देयर इज़ ए डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट सो ईस्ट से वेस्ट में देखा जाए तो रेनफॉल में डिक्रीशन आने लगती है जनदाधन पिले में मतलब ईस्ट में सबसे ज़्यादा रेन होती है बाद में जब वेस्ट में जैसे जाते हैं तो वहाँ पर जो रेनफॉल है वो, तो वो डिक्रीज होने लगती है ये बताया देन दीज वेरिएशन हैव गि राइज टू वेरायटी इन लिव्स ऑफ द पीपल इन टर्म्स ऑफ द फूड मतलब जैसे ही इन सब चीज़ों को वेरिएशन को देखा जाए तो वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनके खाने पीने रहने सन, रहने मैम सब वेरिएशन आने लगा उनके जो फूड में भी जो ईट कर मतलब कंज्यूम करते हैं उनमें वेरिएशन आने लगता है उनके पहनाने में वेरिएशन आने लाइक जहाँ जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर लोग हल्के कपड़े पहन लेंगे और जहाँ सर्दी ज़्यादा होगी तो वहाँ वो ऊनी कपड़े ज़्यादा पहने जाएंगे तो ऐसी चीज़ में वहाँ पर खाने पीने में वेरिएशन आने लगेंगे सो दे वीयर एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ हाउस दे लिव सो इन सब चीज़ों में वो वेरिएशन आने लगेंगे ये इसमें बताया गया देन इसके बाद देखते हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल जो कंट्रोल जो क्लाइमेट को जो कंट्रोल करते हैं सो दे आर सिक्स मेजर कंट्रोल ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस तो इसमें बोला है कि जो सिक्स मेजर कंट्रोल होते हैं जो इन क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं सो so, इनमें कौन कौन से पहला हो गया लेटीट्यूड एल्टीट्यूड प्रेशर एंड विंड सिस्टम देन डिस्टेंस फ्रॉम द सी दैन ओशन करेंट्स इसके अलावा रिलीफ फीचर सो ये सब चीज़ें हैं ये फॉलो ये फैक्टर्स हैं ये जो जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं तो so, आगे इसमें देखते हैं ड्यू टू द दर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव वे रेज अकॉर्डिंग टू रेटिट्यूड इसमें यह बोला है जो आज का जो कर्वेचर है तो जैसे वो सन की जो रेज पड़ती हैं अगर वो डायरेक्ट पड़ेंगी तो एक पर्टिकुलर एरिया में पड़ेंगे बट जैसे ही वो टिल पड़ेंगी ना तो वो का ज्यादा एरिया को कवर करेंगी तो इसमें बताया गया है सो एज ए रियल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर तो इसमें ये बताया गया जो एयर टेम्परेचर है जो इक्वेटर के पास में वो जनरली डिक्रीज होने लगते हैं फ्रॉम द इक्वेटर टू टुअर्ड्स द पोल तो जैसे कि ये यहाँ ये एक, ये है अर्थ तो बीच में ही इक्वेटर गए तो जैसे ही इक्वेटर से हम नॉर्थ की तरफ जाते लग जाने लगते हैं साउथ की तरफ जाने लगते हैं तो टेम्परेचर और ज़्यादा डिक्रीज होने लगता है तो इसमें ये बताया गया है so, सो इसके अलावा एज़ वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द हायर एटीट्यूड या जब सर जब सर, जब अर्थ से जब सरफेस से हायर एटीट्यूड की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर और ज़्यादा फिर कम होने लगता है जैसे हम ज़्यादा एल्टीट्यूड पर जाने लगते हैं लाइक like माउंटेंस हो गए वो ज़्यादा एल्टीट्यूड पर होती हैं तो इस चीज़ को देखते हुए वो वहाँ पर टेम्परेचर और टेम्परेचर डिक्री मतलब टेम्परेचर वहाँ पर डिक्रीज होने लगता है ये उसमें सो जाटमास so, और इसके अलावा एटमासफम लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीज द हिल्स आर देयर फॉर कूलिंग डूरिंग समर तो इसी चीज़ की वजह से जो हिल्स हैं वो समर के टाइम में जो गर्मियों के टाइम में भी ठंडी रहती हैं बिकॉज ऑफ द हायर एल्टीट्यूड देन इसके अलावा प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लेटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड इसमें अभी बताया है कि जो प्रेशर और जो विंड सिस्टम है वो किस चीज़ पर ज़्यादातर डिपेंड रहती हैं लेटिट्यूड और एल्टीट्यूड लेटिट्यूड मतलब वो किस लेटीट्यूड पर आती हैं एल्टीट्यूड मतलब वो कितने हाइट पर हैं मतलब कितने एल्टिट्यूड हैं फ्राम द सी अर्थ फ्रॉम द सी सरफेस सो दस इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल सो इसी चीज़ें वो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती हैं और वो रेनफॉ पैटर्न को भी ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं देन इसके अलावा द सी एक्ट एज ऐ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट और जी सो so, सी की जो जो सी का जो रोल है जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने है, वो भी अच्छा खासा मैं मॉडरेट है एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज जैसे ही सी से डिस्टेंस अगर इंक्रीज होती है इट मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस दैट डिक्रीज मतलब जैसे कि यहाँ पर सी है जैसे ही अगर यहाँ सी से डिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी तो सी का जो इन्फ्लुएंस है वो कम होता जाएगा ये इसमें बताया गया so, सो द पीपुल एक्सपे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन और वहाँ के जो पास में जो लोग रहेंगे जो इतने भी चीज़ से दूर हैं तो वो एक्सट्रीम कंडीशन को वेदर जो वेदर की जो एक्सट्रीम कंडीशन है उसको एक्सपीरियंस करेंगे सो दिस कंडीशनोज एंड द कॉन्टीनेंटली सो इन कंडीशन को कॉन्टिनेंटली बुधाएं डेट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द विटर जैसे कि नॉर्थ इंडिया के पीपल्स एक्सपीरियंस करते हैं गर्मियों में ज़्यादा गर्मी और सर्दियों में ज़्यादा गर्मी और सर्दियों में ज़्यादा ठंड बट जो साउथ इंडिया के है जो कोस्टल सिटीज़ हैं वहाँ के लोग इतना फेव इन चीज़ों को एक्सप्रेंस नहीं करते बिकॉज ऑफ द कोस्टल एरियाज़ सो कोस्टल एरियाज़ की वजह से वहाँ के लोग इतने इन सब चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्रेंस नहीं करते होंगे दैन इसके अलावा ओशन करेंट्स अलॉन्ग विद द ऑन शोर वंड मतलब ऑन शोर वंड मतलब जो सी की तरफ से जो विंड आ रही है लैंड की तरफ उसको बोला है ऑनशोर श्योर विंड अफेक्ट द क्लाइमेट वो ये भी इन ये विंड हैं भी क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं जो कोस्टल एरियाज के जो क्लाइमेट लाइक एग्जांपल इसमें दे रखा है कि एनी कोस्टल एरिया विद वार्म और कोल्ड करेंट फ्लोइंग पास्ट इट इट बी वार्म और कोल्ड इफ द विंड्स आर ऑन इसमें बोला है कि जो भी कोस्टल एरिया की तरफ से कोई भी या गर्म या कोल्ड करंट आएगी तो वहाँ के टेम्परेचर को वहाँ के एरिया को वो या तो वार्म करेंगे या कोल्ड करेंगे इफ़ द विंड आर वॉन ऑन शोर अगर वो विंड ऑन शोर हुई ऑन शोर मतलब सी की तरफ से जो विंड चलेंगे उनको ऑन शोर बोला है और जो लैंड की तरफ से जो विंड चलती हैं उनको ऑफ शोर बोला गया है so, सो नाम से पता चल रहा है ऑफ मतलब वहाँ से अलग हो रही हैं वहाँ से जा रही हैं ऑन मतलब उस लैंड की तरफ जा रही हैं so, सो इस चीज़ का याद रखना ऑन शोर मतलब सी की तरफ से आती हैं और ऑफ शोर जो लैंड की तरफ से आती हैं दैन इसके अलावा फाइनली रिलीफ टू प्ले मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस लाइक हाई माउंटेन्स एक्ट एज ए बेरियर फॉर कोल्ड सो इसमें रिलीफ रिलाइफ के बारे में बोला जाए इसे लाइक जहाँ पर हाउ माइं हाई माउंटेन होती हैं तो वो एक तरह का बैरियर की तरह काम कर दें लाइक दे मे ऑल्सो कॉज ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉर इफ दे आर हाई एनफ अगर वो ऐसे प्रेसिपिटेशन की जो प्रेसिपिटेशन यहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पर भी ऐसे एक तरह का रोल प्ले करते हैं बिकॉज इफ दे आर हाई एंड एनफ लाई इन द पाथ ऑफ रेन ब्रिंग रेन बेरिंग वन एंड दी मतलब लाइक जो हिमालय है वो सेंट्रल एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाओं को वो एज ए उनको रोकता है मतलब एज ए बेरियर की तरह काम करता है सो नॉर्थ इंडिया में वहाँ पर इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड की कंडीशन नहीं रहती और वहाँ पर जो अगर और जो मानसून आता है तो मानसून की जो विंड है वो हिमालय की वजह से वहाँ पर और ज़्यादा आगे तक नहीं जाती सो so, इसी चीज़ वजह से वहाँ पर रेन भी होती है और प्लस जो जो सर्दी है जो कोल्ड की कंडीशन है वो इतनी एक्सट्रीम लेवल पर नहीं होती सो so, इसमें यह बताया गया है देन इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट सो इंडियाज़ के क्लाइमेट के वो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं इसमें देखते हैं सो so, पहला है लेटीट्यूड सो लेटिट्यूड के बारे में देखते हैं सो so, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री सो जो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो एकदम इंडिया के मिडिल से होके जाते हैं लाइक like, पहले रन ऑफ कच्चे से लेके जो कि वेस्ट में है तो मिजोरम जो कि ईस्ट में है इस पिक्स में आप देखिए सो so, इसमें पता चलेगा सो so, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को बीच में से काट रही है सो so, यहाँ से रन ऑफ कच्चे से लेके मिजोरम तक सो दिस इज़ वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट और दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इंडिया को मिडिल से काट रही है सो so, ये बताया इसमें बोला गया है so, सो इसमें जो लेटेड डू है रन ऑफ कर्च मिजोरम से चलती है ऑल हाफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में लाइक करती है बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया सो वो ट्रॉपिकल एरिया के में आ जाती हैं सो ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ जो कि नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिको लाइज लाइज इन द सब ट्रॉपिकल एरिया ये डायरेक्शन वाले में बताइए सो so, इसमें थोड़ा वैसा है सो देयर फोर इंडिया इस जो इसमें बताइए देर फोर इंडिया इज क्लाइमेट हैज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल मतलब जो इंडिया की पोजिशन जो है इंडिया की पोजिशन के जो इस जो है उसके बेसिस बोला है कि जो इंडिया के जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल भी है और उसके साथ साथ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है तो so, सो इसमें ये बताया गया देन इसके अलावा लेटीट्यूड हो गया लेटिट्यूड के बाद एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड मतलब जितनी हाइट पर हम हैं सो so, इंडिया इज़ माउंटे टू द नॉर्थ जो नॉर्थ में जो माउंटेन है विच हैव एवरेज हाइट सबकी होगी ऑलमोस्ट सिक्स थाउजेंड मीटर्स एंड इंडिया ऑल्सो हैव अ वास्ट कोस्टल एरिया एंड वेअर्स द मैक्सिमम एलिवेशन इज़ अबाउट थर्टी मीटर्स सो इसमें बताएं इंडिया की जो माउंटेन एवरेज हाइट सिक्स थाउजेंड मीटर और प्लस जो इंडिया जो area, का जो कोस्टल एरिया है इनका यहाँ का एलिवेशन लाइक सबका एवरेज देखा जाए तो थर्टी मीटर है इसके अलावा द हिमालय प्रिवेंट कोल्ड विंड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया एंट्रिक एंट्रिंग दब हिमालय जो है जो कोल्ड विंड जो आती हैं सेंट्रल एशिया से उनको अंदर आने से मतलब उनको इंडिया में एंटर करने से रोकता है बिकॉज इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज माउंटेंस और इन द की वजह से जो सब हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है वो एक तरह का वो जो वहाँ की जो सर्दी होती है जो सेंट्रल एशिया से की उसको एक, एक, जो उसको एक्सपीरियंस नहीं एक, कर पाता सो एक तरह का ये एक तरह का हमारे लिए बेनिफिट हो जाता है तब हो जाता है कि इंडिया में इतनी ज़्यादा बर्फबारी नहीं होती बिकॉज ऑफ द हिमालयस देन इसके अलावा प्रेशर विंड्स सो so, प्रेशर में देखें द क्लाइमेट एंड द एसोसिएटेड वेदर देन क्लाइमेट एंड एसोसिएट वेदर कंडीशन इंडिया आज गवर्न बाय द फॉलोइंग एटमोसफेरिक कंडीसन सो क्लाइमेट जो है वो काफ़ी और उनकी कंडीशन देखा तो वो कुछ एटमोसफियरिक कंडीशन की वजह से वो गवर्न होती हैं इसमें देखें तो पहले ही हो गए प्रेशर एंड सरफेसमेंट मतलब प्रेशर विंड जोन जो में जो प्रेशर डालते हैं और सरफेस में जो ऊपर ऊपर जो विंड चलती हैं देन इसके बाद अपर एयर सर्कुलेशन मतलब एयर सर्कुलेशन जो होती रहता है देन वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइन जो साइक्लोन आते हैं जो वेस्टर्न की तरफ वेस्टर्न साइक्लोन होते हैं देन ट्रॉपिकल साइक्नो उनकी उनकी वजह से भी वो ये क्लाइमेट वहाँ का चेंज होता रहता है लाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है तो ज़्यादा ही रेन होने लगते तो इन सब चीज़ों को देखते हैं सो ये एक तरह का एज ए फैक्टर की तरह वर्क करते हैं देन इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न विंड सो so, इंडिया का जो इंडिया जो लाई करता है वो ए नॉर्थ ईस्टर्ली विंड के एरियाज में रीजन में लाई करता है सो so, इस चीज़ को देखते हुए दीज विंड ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट सो so, ये जो जो विंड्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जो कि नदन जो कि नदन हेमिसफेयर में है सो so, नदन हेमिसफेयर के सब ट्रोपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ये विंड्स ऑर्जिनेट होती हैं ऑल्सो दे ब्लो साउथ वर्ड्स दे ब्लो साउथ वर्ड्स एंड गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू दरियलिस फोर्स सो ये आती तो साउथ वर्ड की corallis, जो कोरियोलिस फोर्स है उसकी वजह से वो डिफ्लेक्टेड होने लगती है राइट right की तरफ एंड मूव टू वार्ड द इक्वेटर और फिर ये इक्वेटर की तरफ चलने लगते हैं टू दट लो प्रेशर एरिया सो लो प्रेशरिया की तरफ ये चलने लगते हैं सो जनरली दीज विंडरी लिटिल मॉइस्चर सो ये विंड्स हैं वो लिटिल मॉइस्चर कैरी करती हैं एज दे दरिजिनेटेड एंड ब्लो ओवर द लैंड सो देर फो दे ब्रिंग लिटिल और रोने सो जब जो विंड सब इंडिया में एंट्रिंग करते हैं तो ये या तो कम वर्षा लाती है या कभी कभी वर्षा कभी कभी रेन भी नहीं होती हैंस इंडिया शुड हैव बीन अ अराइड लैंड बट बट इट इज नॉट सो सो so, इसको बोलते हैं कि इंडिया या तो अराइड बट इंडिया अराइड लैंड भी है बट इट इज़ नॉट सो बट ऐसा हैवी नहीं है बिकॉज ऑफ द नॉर्थ इंडिया में इतनी ज़्यादा बारिश होती है और इस सो so, इस चीज़ को देखते हुए ये बात बोली गई है देन इसके अलावा प्रेशर विंड्स एंड कंडीशन ओवर द इंडिया आर यूनिक जो प्रेशर और विंड्स प्रेशर एंड जो विंड कंडीशन है जो इंडिया में वो काफ़ी यूनिक है इसमें बताया बिकॉज विंटर के टाइम में देखा जाए तो द हाई प्रेशर एरिया जो कि नॉर्थ के जो नॉर्थ इंडिया में होता है और या जो ऑफ द नॉर्थ हिमालय कोल्ड विंड्स कोल्ड विंड्स ब्लो फ्रॉम द दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशन टू द साउथ सो जो जो कोल्ड ड्राइव विंड्स है वो एकदम साउथ इंडिया की तरफ जाने लगती हैं बिकॉज ऑफ द ओशन की वजह से ओशन की वजह से सो इन समर लो प्रेशर एरिया डेवलप्ड ओवर द इंटीरियर ऑफ एशिया एज द एज वेल एज एज वेल एज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया सो जो लो प्रेशर एरिया है वो डेवलप होता है इंटीरियर ऑफ द एशिया की तरफ और एज वेल नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में भी ये डेवलप होना है सो दिस कॉज ए कंप्लीट रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ द विंड सो इस चीज की वजह से जो रिवर्स जो डायरेक्शन है जो विंड का वो एकदम कंप्लीट रिवर्सल होने लगता है सर्दियों वो सॉरी गर्म में में समर के टाइम पे देन इसके अलावा एयर मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशन जो एयर है वो हाई प्रेशर एरिया की वजह से सदर्न ओशन की तरफ हाई प्रेशर एरिया से सदर्न ओवर की तरफ चलते हैं और इन और जब साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में देखा जाए साउथ ईस्टर डायरेक्शन में चलते हैं उसको क्रॉस किसको क्रॉस करते हुए इक्वेटर को क्रॉस करते हुए एंड टर्न द राइट टू वर्ड द लो प्रेशर और बाद में राइट की तरफ टर्न होने लगती हैं टू द लो प्रेशर एरिया के मतलब हाई प्रेशर एरिया से लेके लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती हैं इस चीज को आप याद रखना कि वो विंड होती हैं वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती हैं ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर ये सब होने लगता है सो दीज आर नोन एज द साउथ वेस्ट मानसून सो इन चीज को क्या बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड विंड्स की वजह से साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में एंटर होता है सो दीज विंडलो ओवर द वॉम ओशन सो ये जो विंड्स हैं वो वार्म ओशन के ऊपर से ब्लोज होते रहते हैं सो गैदर मॉइस्चर सो इसी चीज़ की वजह से वो मॉइस्चर गैदर करती हैं ब्रिंग वाइट स्पीड रेनफॉल ओवर द मेन ऑफ इंडिया सो इन चीज़ सो इन इसी चीज़ की वजह से जो मेन इंडिया जो इंडिया में इंडिया में मानसून आता है और मानसून आता है तो वहाँ पर जब बारिश होती है ये इसमें बताया गया है दैन इसके बाद अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय द वेस्ट है और जो अपर एयर सर्कुलेशन है वो किसकी चीज़ की वजह डोमिनेट होता है वेस्टर्नली फ्लोज की वजह से सो एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फ्लो इज द जेट स्ट्रीम जो कि एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसका जेट स्ट्रीम का सो दी जी सो दी जेट स्ट्रीम आर लोकेटेड अप्रोक जेट स्ट्रीम की जो लोकेशन है इसमें बताइए कि ट्वेंटी सेवन से लेके थर्टी डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड में ये इनकी लोकेशन होती है एंड देयर फोर दे आर नोन एज दब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेड सो इसी चीज़ को वैसे इनको क्या बोला गया सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इनको बोला गया सो so, इसके बाद ओवर द इंडिया दी जेट स्ट्रीम ब्लो साउथ ऑफ़ द हिमालय ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर सो ये जो जेट जो ये जो जेट स्ट्रीम है ये हिमालय के ऊपर ये ब्लो करते हैं बट पूरी साल करते हैं बट समर में ये सब ये नहीं होता सो so, इस चीज़ को आप याद रखना देन इसके बाद देखते हैं इंडियन मानसून सो इंडियन मानसून में देखते हैं वो वजह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए सो क्लाइमेट ऑफ द इंडिया इज स्ट्रांगली influenced by द मानसून सो जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी स्ट्रॉगली इन्फ्लुएंस करता है इंडियन मानसून मानसून की मानसून वेंट्स की वजह से तो इंडिया में बिकॉज इंडिया में जब भी रेन होती है वो मानसून की वजह से होती है मोस्टली सो द सेलर हो केम टू इंडिया इन दिस्टोरिक टाइम्स जो सेलर हैं जो इंडिया में आते हैं जो हिस्टोरिक टाइम से देखा जाए फर्स्ट हाइव टू नोटिस दफ़ तो फर्स्ट टाइम के फोनोम को देखा था नोटिस किया था ये अंडरस्टैंड किया था ये इसमें बताया गया दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सलेंट सिस्टम एज दे केम बाई से मार्सी ऑफ देंट मतलब मंड्स की वजह से ही वो इंडिया में एंटर कर पाए ऐसा इसमें बताया गया है सो द अरब्स हु ऑल्सो कम टू इंडिया स्टेटस नीम हिज सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम कॉल मानसून सो जो अरब थे जो इंडिया में एंटर आए थे इन विंड्स की वजह इन बिकॉज जब ये विंड्स इंडिया की तरफ चलेंगे तो उनके जो सिप्स में जो कपड़े का वाला जो झंडा लगा रहता है तो वो हवा की वजह से उस उनके जो सिप्स को पुस्ट करता है सो so, इसी वजह से जो अरब्स थे उन्होंने इन विंड्स का नाम क्या रखा मानसून सो ये टेक्निकल टर्म है सो so, अब इसमें देखा जाए इस पिक्चर में आपको पता चलेगा साउथ वेस्ट माउंटून कैसे इंडिया में एंटर करता है सो so, यहाँ से ये यह माउंसून की जो विंड है यहाँ से ही एंटर करती है इंडिया में बट ये इंडिया में ये साउथ वाला पार्ट को हिट नहीं करती पहले ये अरेबियन सी से आती हैं कुछ बेव बंगाल से एंटर करती हैं सो so, इसमें देखा सो so इसमें ये है कंडीशन ओवर द इंडियन सब इन द मंथ ऑफ जून सो so, ये जून मंथ का इसमें कंडीशन इसमें दिखाई गई है देन अगर इसमें देखा जाए तो ये है कंडीशन जनवरी मंथ की सो जब मानसून जब रिट्रीट मानसून मानसून जब रिट्रीट करता है मतलब जब वापस आता है तो यहाँ से वापस होता है मैंने वापस ये होता है देखो यहाँ पर हिमालय है हिमालय की वजह से जो विंड आती हैं तो यहाँ टकराती हैं तो वापस ही मोड़ती हैं सो अपनी डायरेक्शन चेंज करती तो यहाँ से वापस होती हैं तो ये कुछ विंड यहाँ से वेव मंगल की तरफ से वापस होते हैं कुछ यहाँ नदन इंडिया की तरफ से यहाँ पर वापस होती हैं तब जब ये वापस हुई ये वेव मंगल की तरफ से आती हैं तब ये तमिलनाडु वाले एरिया को ऊपर से आती है तो तभी इसी चीज़ को देखना तो सभी तभी तमिलनाडु में वहाँ पर हमेशा बारिश होती है अक्टूबर के मंथ में जब मानसून रिट्रीट करता है तो इस कंडीशन को आप जानना ये डायरेक्टली कभी कभी पूछा जाता है सो एटमोसफियर कंडीशन ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी वो जून वाला था और ये है जनवरी मंथ का सो so, इस चीज़ को आप याद रखना देन द मानसून आर एक्सपीरियंस इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन टू डिग्री ट्वेंटी डिग्री नॉट टू ट्वेंटी डिग्री साउथ सो इसमें कंडीशन उसमें रीज़न बताया गया कि जो मानसून जो वाला मानसून है वो कहाँ कहाँ इस एरिया में कहा ट्वेंटी डिग्री नॉट टू ट्वेंटी डिग्री साउथ सो इन दो एरिया के बीच में जो भी लैंड आएगा जो भी कंट्री आएगी वहाँ पर यह मानसून हिट करेगा सो टू अंडरस्टैंड द माइके मानसून द फॉलिंग फैक्ट आर इम्पोर्टेंट सो मानसून के माइकेरिजन को समझ समझना इन पॉइंट्स को देखते हैं सो so, पहला पॉइंट है कि डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया वाइल द सी अराउंड द एक्सपेंस कंप्लीटली हाई प्रेशर सो मैं इसमें जो बोल आएगा जो कूलिंग ऑफ जो लैंड का जो कूलिंग है या जो वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर मतलब इंडिया के ऊपर लो प्रेशर वाली बेल्ट जो प्रेशर है वो क्रिएट होने लगता है जो इंडिया के ऊपर सो so इसी चीज़ की वजह से हाई प्रेशर और जब विंड्स हैं हाँ वो हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर की तरफ जाती हैं और जो ओशन में जो साउथ वेस्ट मानसून वाला है वहाँ पर हाई हाई प्रेशर बना हो और इंडिया के ऊपर लो प्रेशर बना हो so सो इसी चीज़ को देखते हुए सभी वो जो साउथ वेस्ट मानसून है वो इंडिया की तरफ आता है सो इसमें ये बताया गया है देन द शिफ्ट ऑफ पोजिशन ऑफ और इसके बाद इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो शिफ्ट करता है समर में सो ओवर द गंगा प्लेन दिस इज द इक्वेटरियल ट्रफ ट्रफ नॉर्मली पोजिशन अबाउट द फाइव डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर सो जब ये पोजिशन भी जब चेंज होती है सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मानसून ट्रफ ड्यूरिंग द मानसून सीजन सो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं मानसून ट्रफ डूरिंग द मानसून सीजन सो दैन थर्ड पॉइंट इज द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडा का जो हाई प्रेशर एरिया है जो ईस्ट ऑफ मेडा के ईस्ट में देखा जाए अप्रोक्सीमेट ट्वेंटी डिग्री साउथ के उसमें है तो इस एरिया को बोलते हैं जो कि इंडियन ओशन में बनता है सो द इंटेंसिटी एंड द पोजिशन ऑफ हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट द इंडियन मानसून जो हाई प्रेशर एरिया जो एरिया है वो अफेक्ट करता है इंडियन मानसून जैसे मैंने बताया हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है लो प्रेशर की तरफ इवेंट वे चलते हैं तो वहाँ पर जो ईस्ट जो मेडा गेडा के ईस्ट में जो हाई प्रेशर एरिया है वहाँ पर हाई प्रेशर वो इंडिया की तरफ आता है बिकॉज इंडिया के ऊपर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रखा है और इस पिक्चर में आप इंटर इंटर टॉपिक कन्वर्जेशन जो जिसको आई बोलते हैं यहाँ देखेंगे है, तो यहाँ से यह ट्रॉपिकल ईस्टर्नलीज यहाँ पर ये विंड आती हैं और यहाँ पर ये एरिया इसको तो इंटर ट्रॉपिकल आई टी सी क्रिएट करते हैं सो तो ये इसमें बताया गया है देन इसके बाद डी पॉइंट्स में देखते हैं द तिब्बतन प्लेटू गेट्स इंटेंसली इंटेंसली हीट डूरिंग द समर बोता बताया कि जो तिब्बत का जो प्लेटू है समर के टाइम में काफ़ी ज़्यादा हीट रिसीव करता है विच रियड इन द स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द लो प्रेशर इसके इसकी, इसकी वजह से भी वहाँ पर लो प्रेशर एरिया भी जनरेट होता है ओवर द प्लेटू एट द अबाउट नाइन किलोमीटर नाइन किलोमीटर अवदस्ट सी लेवल से मैं बताया कि वहाँ पर एरिए वहाँ के तिब्बत वाले एरिया में भी लो प्रेशर क्रिएट होने लगता है इसमें ये इसमें बताया सिंपल लैंग्वेज में अगर तो जाने तो वहाँ पर भी लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने लगता है इसमें ये बताया देन फिफ्थ पॉइंट या ई e पॉइंट देखा है देखें तो द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय जो वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम है जो उनका जो मूवमेंट देखा जाए वो नॉर्थ हिमालय की तरफ है एंड द जो प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल इस्टीम है वो वो दिन इंडियन पेंडोस्फियर ड्यूरिंग द समर सो जैसे कि वो वो समर में इनकी पोजीशन चेंज होने लगती है ऐसे इसमें बताया गया है कि समर में पोजीशन उनकी चेंज होने लगती है सो इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज ऑल्सो बी नोटिस दैट द चेंज इन द प्रेशर कंडीशन ऑवर द सदर्न ओशन सो जो सदर्न ओशन है उसकी जो कंडी प्रेशर कंडीशन वो भी चेंज हो, होती है सो इस ऑल्सो अफेक्ट द मानसून वो जो कंडीशन चेंज होती हैं वो भी मानसून को अफेक्ट करता है सो नॉर्मली वेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ साउथ पैसेफिक ओशन एक्सपीरियंस द हाई प्रेशर जब वहाँ पर जब साउथ पैसेफिक ईस्टर्न में जब हाई प्रेशर क्रिएट होता है India, pressure, तो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडिया ओशन एक्सप्रियस लो प्रेशर तो ईस्ट इंडियन ओशन का जो ईस्टर्न ट्रॉपिकल ईस्टर्न तो वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है ये एक कंडीशन है जो पांच कंडीशन ये बताई गई हैं तो कैसे वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है और कैसे वहाँ दूसरी जगह हाई प्रेशर क्रिएट होता है इसके अलावा बट इन सर्टेन ईयर्स और कुछ साल में तो बट इन सर्टेन ईचर ईयर्स देयर इज ए रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन एंड ईस्टर्न पैसिफिक हैज़ लोअर प्रेशर इन कंपेरिजन टू ईस्टर्न इंडियन ओशन बट उसमेंता है कि कुछ रिवर्सल इसमें कोई रिवर्सल भी होने लगता है बिकॉज होने लगता है और प्रेशर कंडीशन है जो ईस्टर्न पैसिफिक में वो और ज़्यादा लो वहाँ पर भी और ज़्यादा लोअर प्रेशर होता है इन कंपेरिजन देखा जाए ईस्टर्न इंडियन ईस्टर्न इंडियन ओशन में बट वहाँ पर ऐसा माउंटीन वाली कंडीशन क्रिएट नहीं होती दैन इसके बाद दिस इस पीरियड पीरियोडिक चेंजेस जो पीरियोडिक चेंजेज है इन प्रेशर कंडीशन इज नोन एज द सदर ओशनेशन ओशन और जिसको एसओ सो so, ये जो पीरियड चेंज होते हैं उसको क्या बोलते हैं सदन ऑसोलेशन या एस ओ शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है इसको सो so, इस चीज़ को आप याद रखना सो द डिफ्रेंस इन द प्रेशर ओवर द तथी मतलब जो पैसिफिक वाले एरिया बोला गया है जिसको टेंट जो अट्ठारह डिग्री साउथ में और वन फोर्टी नाइन डिग्री वेस्ट में एंड इन द नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया इन इंडियन ओशन इज कम्पेड सो द प्रिडिक्स इंटेंसिटी ऑफ द माउंसिन ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है तो इस चीज़ को थोड़ा वैसे देखना मैप में जाके सो so, आ गया इफ 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 द द द प्रेशर प्रेशर डिफरेंस डिफरेंस ओवर सो जो वर नेगेटिव इट वुड मीन ब्लो और लेट मानसून सो अगर जो प्रेशर वहां पर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो इस चीज, इस चीज की वजह से या तो मानसून जल्दी आएगा या लेट हो जाएगा तो इसमें ये बताया गया देन इसके अलावा ये फीचर कनेक्टेड विथ सदन ऑसिलेशन जिसको ऐसा बोला है इज एल नीलो एल नीनो फॉर्म के बारे में बताया गया इन विच ए वार्म ओशन करंट दैट फ्लो पास्ट ऑफ फ्लो पास्ट द पेरोन कोर्स मतलब जो पेरुविन कोर्स है जो वो एक वार्म ओशन करंट है वहां से चलती है इन प्लेस ऑफ दैन इन प्लेस ऑफ द कोल्ड पेरुविन करंट सो जो पहले जो कोल्ड पेरुवीन करंट है उनकी उसकी जगह वार्म पेर करंट जो वहां से चलती है सो so, इसमें बताया कि एवरी टू टू फाइव ईयर्स चेंज है ऐसे टू दो से पाँच साल के बीच में ये सब कंडीशन होने लगते हैं सो द चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशन आर कनेक्टेड टू द एलिनो सो इन सब प्रेशर कंडीशन जो चेंजेस हो रहा है इसी चीज़ की वजह से वहाँ पर एल सी कंडीशन वहाँ पर क्रिएट होने लगता है द फनोमना इज रेफर टू द ई एन एस ओ जिसको बोला गया एल नीनो सदर आउसोलेशन सो इस टर्म को भी आप याद रखना देन इसके बाद मानसून का जो विड्रॉल और मानसून के जो एडवांसिंग मतलब कैसे मानसून आता है और कैसे मानसून के रिट्रेटिंग होती है विड्रॉ होता है इसमें ये जानेंगे सो so, सीजन के बारे में देखते हैं सो द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज करेक्टराइज बाय द डिस्टिंग सीजन पैटर्न सो मानसून जो क्लाइमेट का है उसको एज ए काफ़ी मतलब उसमें सीजन पैटर्न के बेसिस पर उसको डिस्टिंग मतलब अलग किया है सो वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंजेस फ्रॉम द वन सीजन टू अदर सीजन सो वेदर कंडीशन है वो चेंज किस पर है वन सीज़न टू अदर सीजन पर हो है सो दिस चेंजेस आर पर्टिकुलरली नोटिस इन इंटीरियर पार्ट्स और ये जो कंडीशन जो चेंजेस आते हैं वो मोस्टली इंटीरियर पार्ट्स ऑफ कंट्री मतलब इंडिया के अंदर ही चेंजेस होते हैं एंड जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर ऐसा चीज़ें एक्सपीरियंस होने को नहीं देखती बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर एंड द कोस्टल एरिया है तो इसी चीज़ की वजह से वहाँ पर ऐसे चेंजेस देखने को नहीं मिलते इसमें ये बताया गया है देन आगे जो इसमें फोर मेन सीजन बताएंगे लाइक कोल्ड वेदर सीजन हो गया या हॉट वेदर सीजन हो गया या एडवांसिंग मानसून हो एडवांसिंग मानसून मतलब जब रेन आना स्टार्ट होती है तो उसको एडवांसिंग मानसून सीजन बोला गया देन रिट्रेटिंग मानसून सीजन मतलब जब मानसून वाला जो मानसून वाला सीजन है वो जब ख़त्म होता है जब रेन आना मतलब रेन बंद होना बंद हो जाता है तो उसको बोला गया रिट्रेटिंग मानसून एंड विद सम रीजनल वेरिएशन और सम रीजनल वेरिएशन मतलब अलग अलग जगह अलग अलग कुछ वेरिएशन होंगे उसको बोला गया सो so, सबसे पहले देखते हैं द कोल्ड वेदर सीजन जिसको हम विंटर बोलते हैं सो कोल्ड सो सो द कोल्ड वेदर सीजन बिगिन फ्रॉम द मिड नवंबर इन अदर इंडिया एंड स्टेट फरवरी सो नॉर्थ इंडिया में जब सी कोल्ड वेदर सीजन कब से कब तक स्टार्ट होता है नवंबर के मतलब नवंबर के मिड से Uh, मिट से टिल फरवरी तक फरवरी तक ये सब होता है एंड दिसंबर जनवरी वाला जो होता है वो सबसे ज़्यादा कोल्डस्ट मंथ होता है नदर पार्ट ऑफ द इंडिया नदर इंडिया में सो द टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम द साउथ टू ईस्ट और जब टेम्परेचर इंडिया का देखा जाए तो नॉर्थ से लेके साउथ में जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है सो so नॉर्थ में ज़्यादा होगा और साउथ में कम होगा मतलब तो नॉर्थ में कम होगा साउथ में ज़्यादा होगा टेम्परेचर सो द एवरेज टेम्परेचर देखा जाए चेन्नई का ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज बिटवीन 24 टू 25 फाइव सेंटी होता है वाइल इन द सेम टाइम नदन प्लेन्स में यह टेम्परेचर होता है 10 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में सो द डेज आर वार्म एंड द नाइट्स आर कोल्ड सो दिन में गर्म होते हैं और रात में सर्दी होती है ठंडा होता है एंड फॉस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ में और नॉर्थ में जो फॉर्स्ट जो होती है वहाँ पर वो नॉर्मल होते हैं एंड द हायर स्लोप में जब या हायर एल्टीट्यूड में देखा जाए हिमालयस में ये सब वहाँ पर तो स्नोफॉल भी देखने को मिलेगी सो so, इसमें ये बताया गया है देन ड्यूरिंग द दिस सीज़न अ सीजन में विंटर सीजन में देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स हैं वहाँ पर पूरे कॉन्टिनेंट में पूरे कंट्री में होती हैं सो दे ब्लो फ्रॉम द लैंड टू सी सो ये लैंड से सी की तरफ होती हैं हैंस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ ए ड्राई सीजन सो so, बाकी अगर कंट्री में देखा है तो ये एक ड्राई सीजन होता है बट सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर इन तमिलनाडु बट कुछ मतलब वो एक कोई रीज़न रेनी सीजन नहीं होती होता वहाँ पर ड्राई सीजन होता है बिकॉज वहाँ पर रेन नहीं होता बट तमिलनाडु वाले एरिया में देखा जाए तो अकर्स अगर रेनफॉल सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर्स ऑन द तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम द दीज विंडर दे ब्लो फ्रॉम द सी लैंड सो so, ये सब बताया गया तो जहाँ पू जहाँ पूरी कंट्री में ड्राई सीजन होता है वहीं पर ही वहीं दूसरी जगह तमिलनाडु में रेनी सीजन तो रेनी सीजन तो नहीं बोलेंगे बट वहाँ बारिश होती है ये बताया गया so, सो इन नदन पार्ट्स ऑफ द कंट्री ए फीडेबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप सो नदन पार्ट में हाई प्रेशर बेल्ट मतलब हाई प्रेशर रीजन डेवलप होने लगता है विद द लाइट मूविंग टू वर्ड द फ्रॉम दिस एरिया सो विंड्स हैं वो इस एरिया की तरफ मूव होने लगती हैं लाइट छोटी मतलब हल्क ज़्यादा एकदम उसमें एनर्जी नहीं होती बस ये बताया जाए इसके अलावा इट इंफ्लुन्स बाई द रिलीफ दीज विंड्रॉम द ब्लो थ्रू द गंगा वेली टू द फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ सो ये जो रिलीफ है जो विंड्स हैं वो कहाँ से गंगा से लेकर कहाँ तक होती हैं नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ से जाती हैं सो so, इसके अलावा द वैदर इज़ नॉर्मली मार्क्ड बाई द क्लियर स्काई और उस टाइम में क्लियर स्काई होता है लो टेम्परेचर होता है एंड लो ह्यूमिडिटी होती है फीवल एंड वेराबल विंडस होती हैं वेरेबल विंड्स होती हैं मतलब कभी कभी ज़्यादा कभी कम सो so, इसीलिए ये, ये कुछ चेंजेस होते रहते हैं Then, इसके अलावा एक करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नदर प्लेन एक करैक्टरिस्टिक फीचर है साइक्लोनिक डिस्टरबेंस होने लगता है एंड द तो वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट में फ्रॉम द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मास्टम वेस्टर्न साइक् वेस्टर्न साइक् डिस्टर्बेंस होने लगता है इसमें यह बताया सो दीज लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेन्स और ये सब चीज़ें कहाँ से होने लगती हैं मेडिडेंट सी से यहाँ से इनका सोर्स होता है और ऑल्सो द वेस्ट एशिया भी उनका यहाँ से सोर्स होता है एंड मूविंग टू वहाँ ये सब चीज़ें मेडेंट सी और वेस्ट एशिया आती हैं और टू इंडिया अलॉन्ग विद द वेस्टर्न वेस्टर्ली फ्लो सो so, इसको ये बोला गया है दैन इसके बाद देखे तो दे कॉज मच नीडेड विंटर रेन सो वन जो विंटर में जो रेन होते हैं इन्हीं चीज़ इन्हीं इन कारण की वजह से वहाँ पर विंटर में रेन्स होती हैं ओवर द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स सो नॉर्थ में जो प्लेन्स एरिया है वहाँ पर तो रेन होने लगती है और जो माउंटेन वाले एरिया हैं वहाँ पर स्नोफॉल होने लगती है सो इसमें बताएं ऑल द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावत और लोकल में उस रेनफॉल को क्या बोला गया है महावत तो इस पॉइंट को याद रखना डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सो दे आर इमेंस इम्पोर्टेंस फॉर द कल्टिवेशन और जो जो रेनफॉल जो हो रही है इस टाइम में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है रबी सॉरी रबी क्रॉप्स के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होती है देन इसके अलावा द पेनसुलर रीजन डज नॉट हैव ए वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन जो पेनसुलर रीजन है वहाँ पर इतनी ज़्यादा कोल्ड सीजन नहीं होते बिकॉज ऑफ द इंडियन वो कोस्टल एरियाज़ की वजह से और वहाँ पे इतनी कंडीशन क्रिएट भी नहीं होती सो देर इज़ ए हार्डली एनी नोटिस सीजन चेंज सो वहाँ पर काफ़ी हार्डली ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे टेम्परेचर में और बाकी सो ड्यूरिंग द विंटर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी सो इसी सी की वजह से सी के इन्फ्लुएंस की वजह से वहाँ पर ऐसे कोई भी चेंजेस या बहुत ही कम चेंजेस देखने को मिलेंगे सो so, इसमें ये बताया गया देन इसके बाद हॉट वेदर सीजन जिसको समर बोला गया है सो ड्यू टू द अप्रैल नॉर्थ फर्थ नॉर्थवर्ड माउ मूमेंट ऑफ सन सो सन का जो नॉर्थ वर्थ मूवमेंट है द ग्लोबल हीट दो द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट शिफ्ट नॉर्थ वर्ड सो जो ग्लोबल हीट है उसको नॉर्थवर्ड की तरफ शिफ्ट करती है एज सच मार्च टू द मई सो मार्च से लेकर मई तक का जो महीना होता है वो काफ़ी गर्म होता है इंडिया में इस्पेली नॉर्थ इंडिया दैन इसके अलावा द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन भी क्लियरली फ्रॉम द टेम्परेचर रिकॉर्डिंग टी ड्यूरिंग द मार्च में एट डिफरेंट लेट्यूड और जो 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 शिफ्टेड होती हैं जो हीट बेल्ट है उससे उसकी वजह से भी मार्च से लेकर मई में भी ये काफ़ी सारे चीज़ें देखने को मिलेंगी सो so, मार्च में देखा जाए तो द हाईस्ट टेम्परेचर इज़ अबाउट थर्टी एट डिग्री सेल्सियस और रिकॉर्डेड ऑन अ डन पुलेटों में ये सब टेम्परेचर इसमें देखने को मिलेंगे और अप्रैल में ये टेम्परेचर गुजरात में देखा जाए और मध्य प्रदेश में देखा जाए अराउंड फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस होते हैं और मई और मई में ये टेम्परेचर फोर्टी फाइव डिग्री से होंगे कहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ का कंट्री लाइक राजस्थान वाले एरिया में बता, बात चल रही है देन इसके बाद पेनिशोलर इंडिया में देखा जाए टेम्परेचर रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द देश बट जो इंडिया में देखा जाए तो ये सब कंडीशन फिर भी वहाँ पर मॉडरेट होती हैं बिकॉज ऑफ द ओशन सो द द्य� समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर इन फेलिंग एयर प्रेशर और फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री सो so, वहाँ पर टेम्परेचर नदर इंडिया में देखा है तो वहाँ पर टेम्परेचर इन दर इंक्रीज होता है और जो एयर प्रेशर है वो फेल हो तो नीचे गिरने लगता है इसमें बताया गया है सो टूव द एंड ऑफ द मई सो मई के आने एंड तक एंड इलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप इन द रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द द थार डिजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट टू पटना सो वहाँ पर ये लो प्रेशर वाला एरिया डेवलप होने लगता है थार डिजर्ट से लेके पटना तक एंड द छोटा नागपुर प्लेट इन द ईस्ट टू तो साउथ ईस्ट तक तो इसमें बताया इतने एरिया तक लो प्रेशर वाला एरिया सर्कुलेट मतलब डेवलप होने लगता है देन इसके अलावा सर्कुलेशन ऑफ द एयर बिगेन टू तो सेट इन अराउंड दिस और एयर सर्कुलेशन भी वहाँ पर स्टार्ट होने लगता है और यही कंडीशन ही वहाँ पर रेन लाने का या मानसून लाने का वो जो एकदम कंडीशन है वो एकदम फुलफिल करती हैं सो so, ये स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज द लो सो so, सबसे अगर सो so, जिस टाइम पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है उस सीज़न को उस वेदर को हॉट वेदर सीजन बोला इसको क्या बोले लू उस टाइम पर उस टाइम पीरियड को वेदर को क्या बोलते हैं लू बोलते हैं सो so, दी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गश्ती हॉट ड्राई विंड सो so, उस टाइम पर ये ड्राई विंड काफ़ी जलती हैं ब्लोइंग ड्यूरिंग डरिंग डे सो उस टाइम गर्मियों में इतना टेम्परेचर एकदम फिफ्टी तक कभी कबार फिफ्टी डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है सो इसी को देखते हैं उस कंडीशन को लू बोला गया है सो समटाइम्स दे इवन कंटिन्यूटिल द लेट इवनिंग और ये कभी कभी तो ये लेट इवनिंग रात तक में रात में भी इन सब लोग को एक्सपेंस कर देखने को मिलेगा सो डायरेक्ट एक्सपोजर टू द दीज विंड इवन प्रूव टू बी फैटल अगर इन विंड्स को डायरेक्टली एक्सपोजर किया जाए डायरेक्टली एक्सपेंस किया जाए तो कभी कभी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ सकता like, so, thus, है लाइक बी ओ सी आना सो दस स्ट्रॉ आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ है और जो डस्ट स्टोम जो होती हैं आंधी जो होती हैं धूल भरी आंधी तो मंथ मई में देखना काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल कॉमन होता है सो दिसम ब्रिंग टेम्प्रेरी रिलीफ और जो ये इन स्टोम की वजह से काफ़ी टेम्प्रेरी रिलीफ मिलने लगता है एज दे लोअर द टेम्परेचर बिकॉज ये टेम्परेचर को लोअर करती हैं एंड मे ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल वे और कभी कभार ये थोड़ी हल्की हल्की बारी तो हल्की फुल्की रेन भी लाती हैं और ठंडी हवा भी इससे चलने लगती है सो इसमें बताया गया सो दिस इज ऑल्सो सीजन फॉर द लोकलाइज वॉलेंट विंड्स एंड टोरेंशियल डाउनपोर सो इन कभी कभी वहाँ पर थंडर स्टॉम भी होने लगती हैं और वॉलेंट विंड्स भी स्टार्ट होने से हो सो so, इसमें ये बताया और इसके अलावा वेस्ट बंगाल में इन स्टॉम को क्या बोला गया है काल वैसाख इस पॉइंट को आप याद रखना वेस्ट बंगाल में इस पर्टिकुलर स्टॉम को क्या बोला है काल बैसाख देन इसके अलावा टू वॉज द क्लोजर क्लोज ऑफ द समर सीजन सब समर सीजन के क्लोज में देखा जाए तो प्री मॉनसून सोवर आर स्टार्टिंग कॉमनली स्पेशली इन द केला एंड कर्नाटका सो कर्नाटका मतलब प्री मानसून वाला टाइम स्टार्ट होने लगता है और सबसे ज़्यादा सबसे पहले कहाँ देखा जाता है केरला में और कर्नाटका में दे हेल्प इन अर्ली राइपनिंग ऑफ द मैंगोज बिकॉज ये मैंगोज की जो राइपनिंग में हेल्प करते हैं सी, सी, सो इसी चीज़ को देखते हुए वहाँ पर इस सावर को क्या बोला इस रीजन को क्या इस रीजन को क्या बोलते हैं मैंगो सावर सो so, वहाँ का जब इस टाइम पर जब बारिश होती है उसको बोलते हैं मैंगो सावर सो इस पॉइंट को भी आप याद रखना देन अब आता है एडवांसिंग मानसून जो कि जिसको बोलते हैं रेनी सीजन जिसको बोलते हैं सो बाई अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नदन प्लेन इंटेंसिफाई सो लो प्रेशर ये वाला जब जून जु, जु, के स्टार्टिंग में लो प्रेशर वाली कंडीशन स्टार्ट मतलब डेवलप होने लगती हैं सो इट अट्रैक्ट द ट्रेड विंड सो ये सब चीज़ें ट्रेड विंडस को अट्रैक्ट करती हैं ऑफ़ द सदर्न हेमीस्फे की वजह से सदर्न सेमी स्पेस से देन दी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ऑरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ द सदर्न ओशन सो सदर्न ईस्टर्न जो ट्रेड विंड्स है ओरिजिनेट होती हैं सो दे क्रॉस द इक्वेटर और इक्वेटर क्रॉस करते हुए ये साउथ वेस्टली लो के डायरेक्शन की तरफ चलने लगती है और बाद वहाँ से ये इंडियन ओशन में कर एंट्रिंग एंटर होने लगती हैं एज द साउथ वेस्ट मानसून के फॉर्म में सो एज दीज विंड ब्लो ओवर द वार्म ओशन जब ये वाम ओशन के ऊपर से होती हैं दे ब्रिंग अबनडेट मॉइस्चर तो अब ये मॉइस्चर जो होती है वो अपने साथ लाती है टू द सब कॉन्टिनेंट सब अपने इंडियन की तरफ जो सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ सो so, दीज विंड्स आर स्ट्रॉग एंड ब्लो एट द एवरेज वैल्यूसिटी ऑफ थर्टी किलोमीटर तो यही विंडस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं उनकी एवरेज वैल्यूसिटी देखा जाए तो थर्टी किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है इसमें यह बताया गया है सो so, इनका जो फ्लो होता है साउथ वेस्ट मानसून की तरफ साउथ वेस्ट मानसून इन द इंडिया टू इन टू द इंडिया सो इनका जो फ्लो होता है इंडिया की तरफ होता है सो so, इंडिया टू तो ब्रिंग अवर द टोटल चेंज इन द वैदर सो इन सो इस चीज़ so की वजह से वेदर में बिल्कुल चेंज आने लगता है सो अर्ली सीजन में देखा जाए द विंड वर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल सो वेस्टर्न घाट में सबसे पहले रिसीव रेनफॉल रिसीव होती है और काफी ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है मोर देन ट्वेंटी टू फिफ्टी सेंटीमीटर तक वहाँ पर रेनफॉल होती है वेस्टर्न घाट वाले एरिया में देन इसके अलावा डेक्कन प्लेटो एंड पार्ट ऑफ द एम पी जिसको मध्य प्रदेश बोलते हैं ऑल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल सो वहाँ पर भी कुछ डक्कन प्लेटों के पार्ट प्लस कुछ मध्य प्रदेश के पार्ट में भी ये रेनफॉल स्टार्ट मतलब वहाँ पर एक्सप्रेस देखने को मिलेंगी ऑल्सो रेन शेडो एरिया वहाँ पर बोला है देन इसके अलावा मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रीव इन द नदन ईस्टर्न पार्ट सो जो इसकी जो मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ पर होती है नर्दन ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री सो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा इसको फेस करने को एक्सप्लेन करने को मिलेगा सो so, इस पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा कैसे सो so, यहाँ से ये साउथ वेस्ट मानसून यहाँ आता है और यहाँ से भी आता है तो यहाँ से आता है तो ये वाला एरिया है ये वेस्टर्न घाट हो गया सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगी जो तो बताया गया कि टू सेंटीमीटर तक देन ये नॉर्थ ईस्ट वाला पाउट हो गया ये कुछ एम वाला पाउट हो गया तो यहाँ पर भी देखने को मिले यहाँ से भी आएगा साउथ ईस्ट वाला मानसून सो ये मानसून यहाँ से आएगा सो बट ये इस, एरिया, इस वाले एरिया को ये टच नहीं कर रहा ये कब टच करेगा जब रिट्रीट होगा तो रिट्रीट वाले टाइम में इस तमिल वाले एरिया को टच करता है तो ये पॉइंट आप याद रखना Then, इसके बाद मैसन राम इन द सदन रेंज ऑफ द कहसील जो खासील का जो मैसन राम वाला एरिया है रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड सो so, ये वाला एरिया खासील वाला एरिया जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल फेस करता है रिसीव करता है दैन इसके बाद रेनफॉल इन द गंगा वैली और जो गंगा वैली जो रेनफॉल होती है वो थोड़ी थोड़ी डिक्कीज होने लगती है टू द ईस्ट जैसे कि मतलब जैसे ही ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो रेनफॉल जो है वो थोड़ी डिक्रीज होने लगे सो गंगा वैली तक और थोड़ी डिक्रीज होने लगती है सो इसी चीज़ को देखते हुए इसी चीज़ की वजह से जो राजस्थान वाला जो एरिया है वहाँ पर रेनफॉल काफ़ी कम होती है आपने नोटिस भी किया होगा सो इसमें ये बताया है। सो राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल सो वहाँ पर काफ़ी कम रेनफॉल देखने को मिलती है सो इस सो इसमें यही बताया गया है देन एन सो इसमें बताया कि एनदर फिन असोशियड विद द मानसून इजेंसी ऑफ द ब्रेक इन रेनफॉल सो इसमें ब्रेक भी होने लगता है इट हैजट एंड ड्राई स्पेल इन द मानसून रेन टेक प्लेस इन ओनली फॉर ए फ्यू डेज एट द टाइम्स बताए काफी कुछ समय के लिए ये सब चीजें होती हैं बिकॉज ऑफ द मॉन्सून में ये ब्रेक होने लगती हैं तो इसमें यह बताया गया देन इसके अलावा दे आर इंटर स्प्रेड विद इंटरवल मतलब कुछ रेनलेस इंटरव्यू होते हैं जो दीज ब्रेक्स इन मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रफ सो इन मूवमेंट्स को मानसून बोला गया सो फॉर वेरियस रीजन द ट्रफ एंड इट्स एक्सेस कीप ऑन द मूविंग नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड व्हिच विच डिटरमाइन द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल सो इसी चीज़ की वजह से जो रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कहीं कहीं ऊपर ज्यादा है कहीं कहीं कम है so, सो स्पेशल से ज्यादा कहाँ होता है नॉर्थ ईस्ट वाले बिकॉज ऑफ द हिमालय माउंटेन्स जब तो ये टकराता है वहीं पर ये सब घूम जाता है तो इसी चीज़ की वजह से ये बताएगा है सो वेन द एक्सेज ऑफ द मानसून ट्रफ लाइज ओवर द प्लेन्स रेनफॉल इज़ गुड एंड दीज पार्ट्स सो जब ये रेनफॉल नॉर्थ वाले पार्ट में जो होता है तो वहाँ पर अच्छा होता है ऑन द अदर एंड जब देखा जाए वैन एवर द एक्सेस शिफ्ट क्लोजर टो हिमालय दे आर लॉन्गर ड्राई स्पेल इन द प्लेन एंड वाइड स्पीड इन द रेन अकर इन द माउंटेन्स कैचमेंट एरिया ऑफ द हिमालय सो जब हिमालय की तरफ जाते हैं तो वही मुड़ने लगती है सो so, इसमें बताया जो हिमालय वाले एरिया है जो इन रोवर में उन चीज़ की वजह से यहाँ पर वाइट भी रेन देखने को मिलती हैं और जो उनका जो कैचमेंट एरिया है जो हिमालय ना और ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है सो so, इसमें यह बताया गया है देन इसके अलावा दीज हैवी रेंस ब्रिंग इन द लिंक सो इनका जो रेंज का जो पानी है लेग्स में आता है रिवर्स में आता है उसकी वजह से उनकेचमेंट जो एरिया वो ज़्यादा इंक्रीज होता है और जो, जो रिवर्स में जो पानी होता है हो। so, और ज़्यादा इंक्रीज होता हो डिस्टेटिंग द फ्लड्स और इस चीज़ की वजह से जो फ्लड्स की जो कंडीशन है वो होने लगती है कॉजिंग डैमेज दो लाइफ एंड प्रॉपर्टी और वो लाइफ को प्लस प्रॉपर्टी को भी डैमेज पहुँचाती है प्लेन्स वे एरियाज में देन द फ्रिक्वेंसी एंड द इंटेंसीफाई द ट्रॉपिकल डिप्रेशन टू और जो फ्रीक्वेंसी है जो इंटेंसिटी देखा जाए ट्रॉपिकल्स की डिप्रेशन की वो काफ़ी ज़्यादा होती है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेन में देखा जाए देन इसके अलावा दिस डिप्रेशन फॉर्म एट द हेड ऑफ़ द वे ऑफ बंगाल और ये कहाँ पर फॉर्म होते हैं वे ऑफ बंगाल के हेड के ऊपर मतलब तो उसके ऊपर होते हैं एंड द क्रॉस ओवर द मेन लैंड और पूरे मेन लैंड पर सो द डिप्रेशन फॉलो द एक्सेज ऑफ द एक्सेज ऑफ द मानसून ट्रफ ऑफ द लो प्रेशर सो ये एरिया को वो फॉलो करते हैं मानसून ट्रफ ऑफ द लो प्रेशर वाला एरिया जो क्रिएट होता है उसको ये फॉलो करते हैं देन इसके अलावा द मानसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टिनटी और ये मानसून जो है वो अपनी अनसर्टेज की वजह से जाना जाता है बिकॉज द अल्टरनेशन ऑफ द ड्राई एंड द वेड स्पेल वेरी इन द इंटेंसि और सब, because जो ये सब बिकॉज जो ड्राई और वेड स्पेल है वो काफ़ी वेरी करता है अलग फ्रिक्वेंटी अलग अलग रीजन में लाइक फ्रीकुन्सी हो गया डिस्ट्रीब्यूशन में हो गया। सो वैल इट कॉज हैवी फ्लड इन वन पार्ट बिकॉज में तो एक जगह पे तो काफ़ी ज़्यादा हैवी तो फ्लड होने लगती हैं बिकॉज ऑफ द माउंट बट एक जगह पे देखा जाए एकदम पर ड्रॉट की कंडीशन होने लगती है सो सो अलग अलग जगह पे भी काफ़ी अनसर्टेटीज क्रिएट करता है या इनकी फ्रीक्वेंसी एडूसन काफी काफ़ी जगह कम कम होती होती है इसमें चीज़ को इसमें इस, इस पैराग्राफ में भी बताया गया है इसके अलावा इट इज़ ऑफन इरेगुलर एंड इट्स अराइवल एंड सो इसकी जो ऑफर रेगुलर्टी वो काफ़ी रेगुलर बोल जाती है अराइवल के टाइम में या रिट्रीटिंग रेट के टाइम में सो so, कभी तो ये लेट आता है कभी कभी ये अर्ली आता है और कभी जब जाने का टाइम होता है इसका रेटिंग ना, वो भी इसका रेगुलर बताया गया है सो हैंस इट्समटाइम्स डिस्टर्ब द फार्मिंग शेड्यूल सो इसकी चीज़ की वजह से जो इसका जो फार्मिंग शेड्यूल जो होता है इंडिया का वो डिस्टर्ब होने लगता है उस चीज़ की वजह से मिलियंस ऑफ द फार्मर्स ऑल ओवर द कंट्री वो इसकी चीज़ की वजह से इफेक्ट होने लगते हैं ये इसमें बताया गया है देन इसके बाद रिट्रीटिंग या पोस्ट मानसून सो so, इसके बाद इसमें बताया गया है रिट्रीट मानसून के बारे में पोस्ट मानसून के बारे में कैसे ये इंडिया की से ये जाता है सो डूरिंग द अक्टूबर नवम्बर अक्टूबर नवम्बर वाले मंथ में देखा जाए अपरेंटी मूवमेंट ऑफ द सन टू वॉज द सन सो सन की जो मूवमेंट है वो साउथ की तरफ ज्यादा होती है सो so, इसी चीज़ को देखते हुए द मानसून ट्रफ ऑफ द लो प्रेशर एरिया जो होता है ओवर द नॉर्दन पीरियड में बनता है वो वीक होने लगता है सो लो प्रेशर वाला एरिया जब वीक होने लगता है तो वहाँ से वो सो so, मानसून वाला जो है वो वहाँ से फिर जाने मतलब मूवमेंट करेगा सो दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस बाय द हाई प्रेशर एरिया जिस तो वहाँ पर जैसे जैसे ही लो प्रेशर वाला कम होने लगता है तो वहाँ पर हाई प्रेशर वाला एरिया डेवलप होने लगे so, सो ये कंडीशन सुटेबल नहीं है फॉर द रेन प्रेसिपिटेशन के लिए सो सो द साउथ वेस्ट मानसून विंडस वीकन एंड स्टार्ट विदड्रॉइन ग्रेजुअली सो वो साउथ वेस्ट मानसून है वो वीकन वीक weak होने लगता है और विड्रॉल की कंडीशन वो आने लगता है सो बाई द बिगनिंग ऑफ द अक्टूबर सो अक्टूबर की स्टार्टिंग में ही मानसून विड्रॉ की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने लगता है नदन प्लेन से सो नदन प्लेन से मानसून का विड्रॉल स्टार्ट होने लगता है देन इसके बाद मंथ ऑफ द अक्टूबर एंड नवंबर फॉर्म ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन और सो अक्टूबर नवंबंथ का जो महीना होता है वो ट्रांजिशन फॉर्म में होता है फॉर फ्रॉम हॉट रेनी रीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन सो जो हॉट रेनी सीजन है तो वहाँ से ड्राई विंटर कंडीशन की स्टार्ट ड्राई विंटर की कंडीशन स्टार्ट होने लगती हैं वहाँ से तब सर्दियाँ स्टार्ट होने लगती हैं सो द रिट्रीट ऑफ द मॉन्सून इज मार्क् बाई द क्लियर स्काई सो so, जब भी मानसून रिटीट होने तो क्लेस कइट होने लगती है टेम्परेचर राइज होने लगता है वाइल्ड और दिन में टेम्परेचर और ज़्यादा हाई हाँ होता है और नाइट्स में जो रात में देखा जाए तो रात थोड़ी ठंडी होती है वहाँ टेम्परेचर थोड़ा लो होता है और अच्छा होता है एंड लैंड इज स्टिल मॉइस्ट और जो लैंड है थोड़ा मॉइस्ट होता है बिकॉज ऑफ द अर्ली रिटेटिंग एंड रेन की वजह से देन इसके बाद ओइंग टू द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी द वैदर बिगेम्स वेदर ऑपरेसिव एंड ड्यूरिंग द डे दिस इज़ कॉमनली नोन द अक्टूबर हीट सो उस पूरे कंडीशन को उस पूरे जो इस पर्टिकुलर उस टाइम में जो वेदर है उसको पूरे को क्या बोला गया बोला है अक्टूबर हीट बोला गया बिकॉज उस टाइम भी हीट थोड़ी बहुत होती है देन इन द सेकेंड हाफ अक्टूबर मर्करी बिगेम्स ट फॉर रेपडली इन द इंडिया और जो अक्टूबर का जो सेकेंड हाफ़ है वो उसमें उस टाइम में टेम्परेचर वो काफ़ी डी डि रेपिडली डि डि डिक्रीज हो जाए बिकॉज तब वहाँ से विंटर स्टार्ट होने लगती हैं देन इसके बाद लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया गेट्स ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल और जो लो प्रेशर वाली कंडीशन वो बे ऑफ बंगाल की तरफ ट्रांसफर होने लगती हैं और अर्ली नवंबर में सो दिस शिफ्ट इज द एसोसिएट विद द अकरेंस ऑफ द साइक्लोन डिफरेंस सो साइक्लोनिक डिप्रेशन की जो कंडीशन वहाँ पर स्टार्ट होने लगते हैं विच ऑर्जिनेट ऑफ द अंडमान सी सो जो साइक्लोनिक डिप्रेशन की जो कंडीशन है वो अंडमान सी के आस पास में ये ओरजिनेट होने लगती है सो द साइक्लो जनरली अक्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया सो जब भी साइक्लोन वहाँ पर होने लगते हैं जनरेट होते हैं तो वो इंडिया को ईस्टर्न कोस्ट से क्रॉस करते हैं सो so, कॉज so, इसी चीज़ की वजह से वहाँ पर हैवी रेन और वाइट स्पीड रेन देखने को मिलती है और फिर भी और वहाँ पर लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी का लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी को डैमेज देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स सो द थी पॉपुलेटेड डेल्टाज ऑफ द गोदावरी एंड द कृष्णा एंड द कावेरी आज फ्रिक्वेंटली स्ट्रक बाई द साइक्लो सो इन इनके जो गोदावरी कृष्णा और कावेरी का जो जो डेल्टाज है जो थी डेल्टा है उन चीज़ की वजह से साइक्लोन थोड़ा वहाँ पर स्ट्रक स्ट्रक होने लगता है ये काफ़ी हेल्प करते हैं वहाँ पर डैमेज कम पहुँचाते हैं मतलब इन चीज़ की वजह से वहाँ पर डैमेज कम पहुँचा विच कॉज ए ग्रेट डैमेज टू लाइफ प्रॉपर्टीज और समटाइम्स दीज साइक्न्स सो इन सो इस हम साइक्लोन की वजह से बोल जाएगा कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचाते हैं सो दीज साइक्स एट द कोस्ट ऑफ उड़ीसा और ये कहाँ कहाँ होता है ओडिशा कोस्ट पर होता है वेस्ट बंगाल बांग्लादेश सो ये एरिया होता है जो साइक्लोन जो हिट करता है सो द बल्क ऑफ द रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज़ ड्राइव फ्राम द डिप्रेशन एंड साइक्लो सो सो इन रीजन पर साइक्लोन का वो अफेक्ट ज़्यादा होता है देन इस पिक्चर में आपको पता चल जाएगा जैसे यहाँ से रिट्रीट होता है तो रिट्रीट होता है तो इस तमिलनाडु वाले एरिया पर रेन स्टार्ट होने लगती है और यहाँ से ये यह रिट्रीट होता है और यहाँ पर साइक्लोनिक डिप्रेशन ज़्यादा होने लगता है so, सो यहाँ पर ईस्ट उड़ीसा वाला हो गया वेस्ट बंगाल वाला हो गया या बांग्लादेश वाला रीजन हो गया तो so, यहाँ पर साइक्लोन इन कोस्टल एरिया पर ज़्यादा अफक्ट करता है सो so, इसमें यह बताया गया so, सो यहाँ पर साइक्लोनिक डिप्रेशन स्टार्ट होता है तो so, यहाँ पर ये यह, साइक्लोन जब मुस्लिम हम देख होंगे तो साइकिल जितने भी आते हैं वो इस एरिया को ज़्यादा हिट करते हैं इस पूरे कोरोमंडल कोस्ट को तो so, इसमें इस चीज़ में आप याद रखना देन अब इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल सो रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अलग अलग, अलग जगह पर वेरीज करता है सो पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट में देखा जाए और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में देखा जाए तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा रेन देखने को मिलेगा अबाउट फोर सेंटीमीटर मतलब इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट हो गया वेस्टर्न घाट वाला वेस्टर्न कोस्ट को देखा जाए वहाँ पर तो रेनफॉल अच्छी होता है और सेम एज़ नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हो गया बट और जगह देखा लाइक like, राजस्थान वाला वेस्टर्न राजस्थान देखा है वहाँ पर बारिश कितनी होती है साठ सेंटीमीटर सिक्सटी सेंटीमीटर और गुजरात के वाले के कुछ एरिया में वहाँ पर भी सेम है सेम कंडीशन है so, सो ये सीज ये सी चीज़ को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल या अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ऐसे ही रेनफॉल इज़ इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ द डिंग प्लेटो एंड द ईस्ट ऑफ साइड रीज सो यहाँ पर इन एरियाज में भी रेनफॉल काफ़ी कम होते हैं इन सो so, इन एरिया को थोड़ा नोटिस कर लेना सो so. जिसमें बोला है कि वाई डू दिस रीजन रिसीव लोट लो रेनफॉल सो इसमें रीजन है कि थर्ड एरिया ऑफ द लो प्रेसिपिटेशन इज अराउंड ले एंड जम्मू कश्मीर द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव मॉडरेट रेनफॉल और स्नो इज रेस्ट्रिक्टेड टू द हिमालय रीजन सो so, इसमें बोला गया है कि जो थर्ड एरिया जो है इसमें ये तो चलो ये वैसा ही है इसमें क्वेश्चन वैसे ही पूछा है बुक वाला एरिया है तो इसमें ऐसा नहीं है फिर मैं बता देता हूँ बिकॉज वहाँ पर जो जो मानसून है वो ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ जाता है जब वेस्ट की तरफ जो मूव करता है तो उसकी जो एनर्जी है उसकी जो पावर है जब वेस्ट की तरफ जाता है तो एनर्जी कम होने लगती है तो वही इसी चीज़ की वजह से वहाँ पर इन जो वेस्टर्न एरिया जो राजस्थान वाला जो होता है या हरियाणा पंजाब वाला तो होता है वहाँ पर पहुँचते पहुँचते उस जो मानसून की जो पावर होती है वो वो थोड़ी कम होने लगती है इसी चीज़ की वजह से वहाँ पर बारिश थोड़ी कम होती है सो इसमें ये रीज़न है देन इसके अलावा ये थर्ड एरिया ऑफ जो लो प्रेसिपिट इजम मतलब इसमें ये बताया कि ये जो इंडिया का जो नॉर्दन ईदन नदन वाला एरिया जो ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न वाला एरिया जो यहाँ पर बर्फबारी जम्मू कश्मीर वाला वहाँ पर बारिश बारिश ना होने के बाद वहाँ पर रेनफॉल होती है और रेनफॉल मॉडरेट रेनफॉल होती है और स्नोफॉल ज़्यादा होती है सो so, इस रीजन में ये इसमें बताया गया है देन इसके अलावा

रीज़न में वहाँ पर रेनफॉल थोड़ी वैसी होने वो वेरीज करती है सो एज सच वाइल्ड एरियाज ऑफ द हाई रेनफॉल आर लाइबल टू द अफेक्ट बाई फ्लड सो इसमें बोल जाए जहाँ जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होती हैं वहाँ पर तो फ्लड की कंडीशन आ जाती है और जहाँ जहाँ रेनफॉल कम है वहाँ ड्रॉट प्रोन एरिया भी ड्रॉट की कंडीशन आने लगती है सो so, जहाँ जहाँ पॉजिटिव ज़्यादा है वहाँ पर भी उस पॉजिटिव से भी कुछ नेगेटिवस भी हैं सो so, ये इसमें बताएगा सो so, इसमें आपको थोड़ा और क्लियर पता चल जाएगा रेनफॉल की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सो ये जो पिक्चर है लेफ्ट वाली उसमें बताया गया कि सीजनल रेनफॉल में जून से ले सितंबर के बीच में और ये है दूसरी एनुअल रेनफॉल मतलब ये पर्टिकुलर जून से लेकर सितंबर के बीच में जो रेनफॉल हो रही है उसके बारे में बताएगा पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जैसे मैं बताया कि वेस्टर्न घाट और प्लस नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में रेनफॉल ज़्यादा होती है और प्लस जैसे मानसून जो ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ जाता है तो वो वीक होने लगता है तो पंजाब राजस्थान और सम पार्ट्स ऑफ गुजरात वहाँ पर रेनफॉल थोड़े कम होता है और डक्कन प्लोटो में रेनफॉल कम होती है तो ये तो आपको पता ही है और प्लस यहाँ पर रेनफॉल होती है और प्लस इन एरिया में तो स्नोफॉल होती है तो इसमें जैसे बता दिया और ये है एनुअल रेनफॉल जो ये है पूरे साल का पूरे साल का इसमें डेटा बताया तो पूरे साल में भी नॉर्थ ईस्ट प्लस वेस्टर्न घाट वाले एरिया है वहाँ पर तो रेनफॉल होती है प्लस ये नंदन प्लेन हो गया और सो इसमें बता दिया मैंने सो इसके बाद है सो so, इसके बाद है मानसून एज ए यूनिफाइड बॉन्ड सो so, मानसून का मतलब एज ए यूनिफाइड के बारे में बताया कि यू हैव ऑलरेडी नोन दैट द वे द हिमालय प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्राम द एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया मतलब इसमें बताया कि हिमालय जैसे हमें प्रोटेक्ट करता है सेंट्रल एशिया से जहाँ से वो कोल्ड विंड्स आती हैं दिस इनेबल नदर इंडिया टू हैव ऑल यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर कंपेयर टू द अदर एरियाज ऑफ द सेम लेटीट्यूड सो इसी चीज़ की वजह से जो सेम लेटीट्यूड पर जो जगह हैं जो हिमालय के दूसरी तरफ वहाँ पर टेम्परेचर तो काफ़ी कम है बट इंडिया में काफ़ी ज्यादा है इसी चीज़ की वजह से हिमालय के वजह सिमिलरली द पेनुसुलर प्लेटो में देखा जाए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी फ्रॉम द थ्री साइड द हैज मॉडरेट टेम्परेचर और सो पेनुसोलर में देखा जाए तो दोनों तीनों तरफ से जो सी है तो वहाँ पर जो टेम्परेचर की कंडीशन है वो थोड़ी मॉडरेट है तो इसमें बताया गया ये मानसून मानसून के थोड़ा यूनिफाइड बॉन्ड इसमें बताया गया देन डेस्पाइट सच मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस देयर आर ग्रेट वेरिएशन इन द टेम्परेचर कंडीशन सो मॉडरेट इन्फ्लुएंस के अलावा कुछ सॉरी टेम्परेचर कंडीशन में सॉरी टेम्परेचर वेरिएशन में भी टेम्परेचर कंडीशन में काफ़ी वेरिएशन है लाइक यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मानसून ऑन द इंडियन सब इज क्वाइट परसेप्टेबल ये सब इसमें बताया कि जो इंडियन कॉन्टिनेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो मानसून की जो कंडीशन है जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी अच्छा परसेप्टेबल है देन इसके बाद द सीजनल अल्टरेशन ऑफ द विंड सिस्टम एंड द एसोशिएट वेदर कंडीशन प्रू प्रोवाइड ए रिधमिक साइकिल ऑफ द सीजन सो इसकी वजह से जो एक साइकिल जो बनी हुई है वो प्रोवाइड कर देती है एक रिदमिक साइकिल होती है लाइक पहले विंटर देन समर दैन रेनी तो एक तरह की वो साइकिल क्रिएट हो जाती है एक रिधम में चलने लगते हैं सो इवन द अनसर्टिटीज ऑफ द रेन एंड अन ईवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरी आर वेरी मच टिपिकल ऑफ द मानसून सो ये सब चाहे कितना भी अन ईवन होने लग जाए तो एक साइकिल जो है वो सो मतलब फॉलो करती है सो द इंडियाज लैंडस्केप इट्स एनिमल एंड प्लान्स लाइफ इट्स एंटायर एग्रीकल्चर कैलेंडर एंड द लाइफ ऑफ द पीपुल इंक्लूडिंग दियर फेस्टिविज फेस्टिविटीज़ एंड अराउंड द दिस फोनोमिना सो ये सब चीज़ें इंडिया लैंडस्केप में पूरी इंक्लूड है डिपेंड होती हैं सो so, इस चीज़ में ये बताया गया है दैन इसके अलावा ईयर आफ्टर ईयर पीपल ऑफ इंडिया फ्राम द नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट ईगरली अपेटेड द अरावल ऑफ द मानसून सो so, इंडिया में जितने भी पीपल लाइक like, वो नॉर्थ से लेके साउथ तक हो चाहे वो ईस्ट से लेके वेस्ट तक हो तो वो सभी के सभी जितने भी पीपल हैं like, वो मानसून का वेट करते हैं बिकॉज वो मानसून उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो इफेक्ट डालता है सो so, उस चीज थी, इसी चीज़ की वजह से वो मानसून का ज़्यादा इंडिया में जो पीपल हैं सभी रीजन की पीपल इंडिया में मानसून का वेट करते हैं सो दीज मानसून विंड्स बाइंड द होल कंट्री और जो सो so इसी चीज़ की वजह से जो मानसून विंड है पूरी कंट्री को बांधे हुए रखें बाय प्रोवाइडिंग वाटर बिकॉज इसकी बिकॉज जब मानसून आता है वो वाटर प्रोवाइड करता है तो टू सेट द एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन द मोशन वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए और इसके अलावा जो खुद के यूज के लिए भी, भी है सो so, आज के इलेक्चर में बस इतना ही अगर आपने यू पी एस सी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यू पी एस सी लाइव एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स धन्यवाद